हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तरफ से हम आपके लिए एक खुशखबरी के साथ साथ चेतावनी भी लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, खुशखबरी आपके लिए ये है कि 20,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन 2020 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी करेगा और इसकी ज्वाइनिंग भी आपकी 2021 तक हो जाएगी। अगर आप 2021 तक ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो फिर आने वाले 3 साल तक उत्तर प्रदेश में भर्तियों को आप भूल जाइए। जी हाँ, हम सच कह रहे हैं, यकीन आप यकीन करिए। आप जानकारी को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को आपके आपके जो हितार्थी, आपके जो सहपाठी हैं, जो तैयारी करने वाले आपके साथी हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए हम पूरी खबर शुरू करते हैं कि नए साल में क्या रहेगा, कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, कौन कौन से विज्ञापन जारी होंगे। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे और इसके सभी पहलू देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वो बात हम कर लेते हैं। तो 2020 तक इसको नया अध्यक्ष मिल जाएगा। सबसे पहली बात, एक अस्थाई अध्यक्ष मिल जाएंगे और 2020 से एक नया उम्मीदों का साल रहेगा, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली जाने वाली वैकेंसियों का, भर्तियों का इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद 2021 में भी भर्तियां आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भर्तियां नहीं आएंगी, 2021 में भर्तियां आएंगी, लेकिन आपने देखा होगा कि 2016 की भर्ती है जो अभी तक 2020 लगने वाला है, अभी तक भर्तियां 4 4 साल से घसीट रही हैं। इसका मतलब है कि आप मान लीजिए कि 2021 में जो भर्तियां आएंगी ये भी 4 साल घसीटेंगी। आप मान लीजिए कि 2021 प्लस 22 में चुनाव रहेगा तो ये कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाती है जो चुनाव से पहले आती है, तो ये घसीटेगी। और 2025 तक आपको ज्वाइनिंग मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो आपके लिए बड़ी चेतावनी ये है कि आप सभी 2021 तक ज्वाइनिंग ले लें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की द्वारा कराई जा रही भर्तियों का। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्या वो कौन से 20,000 पद होंगे जिनका विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2020 तक जारी करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके लिए लेखपाल की सबसे बहुप्रतीक्षित भर्ती की। जी हाँ, लेखपाल की बहुप्रतीक्षित भर्ती है जो कि काफ़ी दिनों से अभ्यर्थियों को, लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार है। तो हम बता दें कि लेखपाल की भर्ती प्लस राजस्व लेखपाल प्लस इसमें जो है चकबंदी लेखपाल, दोनों की भर्तियों को मर्ज करके एक नया विज्ञापन जारी होगा, जिसमें जो चकबंदी लेखपाल के भर्ती फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए फॉर्म में एडिट का ऑप्शन मिलेगा, बाकी जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो राजस्व लेखपाल प्लस चकबंदी लेखपाल के करीब, आपको हम बता दें जानकारी के लिए आपको, तो करीब यहाँ पे 9,000 से अधिक पदों का विज्ञापन जारी होगा। जी हाँ, 9,000 से अधिक पदों का सिर्फ लेखपाल का विज्ञापन जारी होगा। तो एक खुशखबरी यहाँ पे उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि लेखपाल के विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे, तो इनका विज्ञापन आपका 9,000 पदों की। तो पहली संख्या हमने 9,000 आपको बता दी लेखपाल भर्ती की। अब दूसरी हम बता देते हैं जो अभ्यर्थी सहायक लेखाकार कोषागार के अभ्यर्थी हैं उनको हम बता दें। इनमें करीब, अब इस समय अगर मिला दिया जाए 2016 की जो खाली भर्तियां जो कि नहीं पूरी हो पाई थी, 1,300 से अधिक पोस्ट हैं, और अभी का मिला के देख लिया जाए तो करीब इसमें से 4,000 से अधिक पद खाली हैं। 4,000 से अधिक पदों का विज्ञापन भी 2020 में ही आएगा। हो सकता है कि 2020 लेट में आए, यानी कि आपका जुलाई के बाद आए, लेकिन इस 4,000 से अधिक पदों का विज्ञापन आपका लेखाकार का आएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि लेखाकार के बाद हम लेखपाल और लेखाकार के बाद हम बात करते हैं। तो वीडियो का नया अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो चुका है। जी हाँ, अभी तक कुल उसे 1,500 से अधिक पोस्टों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक इनको अधियाचन करीब 1,000 पदों का और होगा, यानी कि कुल मिला के ये आपका विज्ञापन जून के आसपास जारी होगा फिर से वीडियो भर्ती का, और ये कुल मिला के होगा 2,500 भर्तियों का विज्ञापन। तो इस प्रकार से 9,000 लेखपाल हो गया, 4,000 लेखाकार हो गया और ये 2,500 ये हो गया।
तो टोटल 15,500 हो गए। उसके बाद हम बात करें तो कुछ स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां आनी है, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में ये कुल मिला के 1500 से अधिक पद पाए जाएंगे। तो 1500 से अधिक पद स्वास्थ्य विभाग में आएंगे, तो ये कुल मिला के आपका 18,000 भर्ती, 19,000 भर्ती हो जाती है। उसके अलावा हम बात करें तो कृषि तकनीकी सहायक के भी काफ़ी पद खाली हैं, तो इसमें भी काफ़ी जो हैं कि इसमें भी करीब 1,000 से अधिक पदों का अध्याचन आयोग को जल्द ही मिलने वाला है। तो ये हो गया। इसके अलावा आमीन की भर्ती जो होनी है, आमीन की भर्ती भी आएगी, ये भी 2,000 आपकी 20 में ही आएगी। तो ये 20,000 से अधिक पदों का आ गया। इसके अलावा हम बात करें तो जो अभी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, इसका भी अध्याचन आयोग को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये भर्ती 2020 में विज्ञापन हो सकता है कि लास्ट में जारी हो, नहीं तो 2021 में इसका विज्ञापन जानबूझ के उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग जारी करेगा सरकार के दबाव कर। उसके अलावा 2021 के जो अपकमिंग भर्ती हैं वो भी हम आपको बता दें कि 2020 में आबकारी पुलिस की सिपाही की भर्ती फिर से आएगी। उसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती 2020 में आएगी। उसके अलावा विधान भवन 2021 में विधान भवन रक्षक वन रक्षक की भर्ती फिर से जारी होगी। उसके अलावा हम बात करें तो कुछ पदों पे युवा विकास कल्याण अधिकारी के भी काफ़ी पद 2021 में जारी होगा विज्ञापन। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो कुछ और परीक्षाएं, जैसे फॉरेस्ट वन गार्ड हैं, विधान भवन रक्षक के अलावा कुछ और विज्ञापन 2021 में जारी होंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं तो नगर निगमों तथा नगर निकायों में काफ़ी भर्ती होनी है। करीब इस समय आप प्रेजेंट में 10,000 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन इसके लिए नया आयोग गठित करने की योजना बना रहा है। अगर इस पे नया आयोग गठित नहीं होता है तो ये भर्ती अभी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही कराई जाएंगी। तो ये सारी अपडेट्स रही, बड़ी अपडेट्स एक रही हैं, तो आप अभी से लग जाइए। 2021 में अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो 2021 तक आपको अगर ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो आपकी जो डगर है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। हमने आपको पहले से सूचित कर दिया, फिर ये मत कहिएगा आप लोग कि हमको किसी ने बताया नहीं है। तो ये रही बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।